दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होने वाली है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती को एक अस्थायी चांद मिलने वाला है। ये खगोलीय घटना इसी महीने होने वाली है। आसान शब्दों में कहें कि अगले 2 माह पृथ्वी के 2 चांद रहेंगे। लेकिन कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 अगस्त को एक क्षुद्र ग्रह 2024 PT खोजा गया था। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसेगा और पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। इस घटना से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को अच्छे तरीके से समझने में ताकत मिलेगी। दोस्तों, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने इसकी जानकारी दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मिनी मून आकार में करीब 10 मीटर का है। ये इसी महीने के अंत में 29 सितंबर को धरती के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करेगा। इसके बाद वे 25 नवंबर तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर 25 नवंबर को क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने चला जाएगा। क्षुद्र ग्रह 2024 PT पृथ्वी के समान कक्षाओं वाली नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसे दूर से देखना मुमकिन नहीं होगा। अब ये मिनी मून क्या होते हैं? तो दोस्तों, मिनी मून ऐसे क्षुद्र ग्रह को कहते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाते और कुछ समय तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। उन्हें मिनी मून कहा जाता है। मिनी मून बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।